हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वो है कैसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई विधेयक अधिनियम बनता है, बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस, और राष्ट्रपति को वीटो पावर, वीटो शक्ति, निषेधाधिकार की पावर कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ राष्ट्रपति यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम आर्टिकल 111 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम जानेंगे कि कैसे कोई बिल संसद से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर कौन कौन सी शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मित्र, आर्टिकल 111 है, 111, और इसमें क्या है, किसी विधेयक, किसी बिल, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने से, हस्ताक्षर करने से अधिनियम का बनना, कैसे कोई बिल अधिनियम बनेगा इस पर राष्ट्रपति साइन करेंगे। अतः ये कोई बिल है, यानी कोई विधेयक है। इसकी शुरुआत आपने लोकसभा से की या राज्यसभा से की? लोकसभा ने पारित करके कहाँ भेज दिया? राज्यसभा को। राज्यसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित करके कहाँ भेज दिया? लोकसभा। और लोकसभा ने भी इसको पारित कर दिया, और अब ये दोनों ही परिस्थितियों में कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति यहाँ हस्ताक्षर कर दे तो ये बिल जो है ये एक्ट बनेगा, अधिनियम बन जाएगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने से पहले कौन सी शक्ति इस्तेमाल करने की छूट है? वीटो पावर। यहाँ राष्ट्रपति वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, वीटो शक्ति, और वीटो लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है निषेधा अधिकार करना। निषेधा अधिकार, रोकना, निषेध करना। तो पुनः एक बार देखिए, आर्टिकल 111 किससे जुड़ा हुआ है? किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें तो वो अधिनियम बनेगा। अतः वो विधेयक लोकसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा ने पारित किया, दोनों सदनों ने पारित कर दिया, राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा गया और लोकसभा ने पारित कर दिया, दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर दे तो वो विधेयक क्या बने? अधिनियम। लेकिन हस्ताक्षर करने से पहले राष्ट्रपति को वीटो शक्ति इस्तेमाल करने की छूट है। वो चाहें तो अपना निषेधाधिकार, निषेध करने का अधिकार किसी विधेयक को वो चाहें तो रोक सकते हैं। और ये तीन प्रकार का है। ये वीटो शक्ति हमारे राष्ट्रपति को कितने प्रकार की हैं? तीन शक्तियाँ, ये तीन प्रकार का वीटो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जान रहे हैं वीटो, वीटो शक्ति, और उसमें पहला वीटो हम ले रहे हैं पूर्ण वीटो, टोटल वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब
टोटल वीटो, वीटो का मतलब निषेधाधिकार है ही, पूर्ण रूप से निषेध कर देना, और इसका मतलब है राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करके विधेयक को खारिज कर दें। क्या कर दें? विधेयक को खारिज कर दें। क्या ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं? यस, इसको हम कहेंगे पूर्ण वीटो। लेकिन क्या पूर्ण वीटो का मतलब यही है कि साइन नहीं करेंगे राष्ट्रपति? किनके द्वारा पेश विधेयकों पे? इसलिए ध्यान रखना, राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा पेश विधेयक पे नहीं कर सकते हैं। ये किसके द्वारा पेश विधेयकों पर होगा? ध्यान रखना, ये गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश विधेयकों पर, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश विधेयकों पर। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश विधेयकों पर। अब ये गैर सरकारी सदस्य कौन है? ये गैर सरकारी सदस्य हैं जो मंत्रिपरिषद से बाहर हैं। मंत्रिपरिषद से बाहर का प्रत्येक सांसद जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, वो प्रत्येक सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गैर सरकारी सदस्यों की श्रेणी में आएगा। अतः मंत्रिपरिषद में जो सदस्य शामिल नहीं है और उससे बाहर का जो सांसद है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो गैर सरकारी सदस्य है। यानी जो मंत्री नहीं है वो गैर सरकारी सदस्य है विधेयकों के संदर्भ में। अब आपसे सवाल पूछेगा कि क्या कोई सांसद निजी विधेयक पेश कर सकता है? यस, कोई सांसद निजी विधेयक पेश कर सकता है, कर सकता है, बशर्ते कि वो पढ़ा लिखा हो, वो जानता हो। कितने प्रकार के, कितने पेश कर सकता है? 5 प्राइवेट बिल पेश कर सकता है एक सांसद। यदि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, और यदि राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी है तो विधेयक को क्या कर देगा? खारिज। ये है हमारा पूर्ण वीटो। अगला दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। अब यहां ध्यान रखिए, ये मंत्रिपरिषद द्वारा पेश विधेयकों पर होगा। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किस पर करेंगे राष्ट्रपति? मंत्रिपरिषद द्वारा पेश विधेयकों पर, मंत्रिपरिषद द्वारा पेश विधेयकों पर ये इस निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा पेश विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यह वापस भेजना ही, यह वापस भेजना ही क्या है? निलंबनकारी वीटो है। अतः राष्ट्रपति किसके द्वारा पेश विधेयकों पर?
मंत्रिपरिषद द्वारा पेश विधेयक को कितनी बार, एक बार, किसके लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन इससे आगे की स्थिति क्या है, यदि मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार करके अक्सर से एज इट इज उसी रूप में या संशोधित करके भेजा है, तो अब राष्ट्रपति की क्या स्थिति होगी, अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, वापस नहीं भेज सकते। इसलिए इसके पासा ध्यान ये रखना कि पुनर्विचार के पश्चात एक बार आपने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होंगे, बाउंड होंगे। अब वापस नहीं भेज सकते। पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति को एक बार की शक्ति मिलती है कि वापस भेज दे, उसके बाद आप हस्ताक्षर के लिए क्या हैं, आप बाध्य हैं, आप हस्ताक्षर करेंगे। हमने 44वें संशोधन 1978 में हम देखते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद ने पुनः वही सलाह दी या परिवर्तित करके कोई विधेयक प्रारूप भेजा, अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। अतः ये दूसरा प्रकार है निलंबनकारी वीटो। तो पूर्ण वीटो का प्रयोग तो गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य कौन है, जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, यानी सांसद है। क्या कोई सांसद निजी बिल पेश कर सकता है, यस, प्राइवेट बिल 5 पेश कर सकता है, यदि राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो वो क्या बनेंगे, अधिनियम। अतः राष्ट्रपति ऐसे गैर सरकारी सदस्यों पे तो इस्तेमाल करता है पूर्ण वीटो, और निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करेगा वो करेगा आपकी मंत्रिपरिषद द्वारा पेश विधेयकों पर, और मंत्रिपरिषद के पेश द्वारा विधेयक को एक बार वापस भेज देगा, और वापस आ गया मंत्रिपरिषद से तो फिर हस्ताक्षर के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य। तीसरा वीटो जेबी वीटो, जेब से आसे है ये, यानी पॉकेट वीटो। इस जेबी वीटो से क्या आसे है, न तो हस्ताक्षर कर रहे हैं राष्ट्रपति, न हस्ताक्षर से मना कर रहे, और न ही पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं। मैं तो राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, न साइन के लिए मना कर रहे हैं, न ही वापस भेज रहे हैं। इट मीन्स राष्ट्रपति ने इस विधेयक पे जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया, और ये मेरे पढ़ाने से पहले ही आप सबको पता है, ज्ञानी जेल सिंह ने इस जेबी वीटो का प्रयोग किया था। लेकिन मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछेगा, अभी तक बनना शुरू नहीं किया है, लेकिन जिस दिन पेपर सेटर के दिमाग में आएगी उस दिन सवाल पूछेगा। तो जेबी वीटो का मतलब केवल ज्ञानी जेल सिंह नहीं है, जेबी वीटो का मतलब न हस्ताक्षर करे, न वापस भेजे, और ना साइन से मना करे, ये जेबी वीटो है। अब आपसे पूछे कि प्रयोगकर्ता जिसकी मैं बात कर ही रहा हूँ, ये सब बच्चे इस पर नज़र रखते हैं कि प्रयोगकर्ता राष्ट्रपति है क्या, है। एकमात्र कौन, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। और कौन सा विधेयक था, भारतीय डाक, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986, ये हम सब जानते हैं। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी।
प्रयोगकर्ता ज्ञानी जेल सिंह थे, प्रधानमंत्री थे इस समय राजीव गांधी, और भारतीय डाक संशोधन से जुड़ा हुआ ये मामला था, लेकिन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इसको जेबी वीटो कर दिया। अब सवाल आपसे ये पूछेगा कि ज्ञानी जेल सिंह ने जिस भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था, इस विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किसने किया? निलंबनकारी वीटो। जब आप किसी यूपीएससी या आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं और आपसे विषय पूछता है कि आपके पसंदीदा विषय क्या है, और आपने यदि भारतीय संविधान बता दिया कि साहब मेरा तो पसंदीदा विषय भारतीय राजव्यवस्था है, और राजव्यवस्था में आपका क्या अच्छा है, तो फिर आपने कह दिया कि साहब राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को लेकर के अब आपको खोद खोद के सवाल पूछने हैं, और यहाँ पहुँच के तो आपकी शुरुआत होगी, सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए आपके जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। लेकिन अगला ही सवाल आपसे करेगा कि ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया, इस पर फिर फर्दर किसी ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था, तो वो राष्ट्रपति कौन थे? अब हम इतना पढ़ के जाते नहीं और हमें याद रहेगा नहीं, तो ध्यान रखना अगले राष्ट्रपति कौन आए। अगले राष्ट्रपति आ गए आर वेंकट रमन, और आर वेंकट रमन ने आते ही देखा कि टेबल पे एक विधेयक पड़ा हुआ है। जैसे वो रिटायर हो गए ज्ञानी जेल सिंह, ये आए, इन्होंने देखा, तो आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को कहाँ भेज दिया? मंत्रिपरिषद के पास। अब इससे पूर्व हम पढ़ के आए हैं कि यदि राष्ट्रपति विधेयक को सरकार को भेजता है तो ये क्या हो गया आपका, ये निलंबनकारी वीटो हो गया। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री बदल गए हैं और प्रधानमंत्री आ गए हैं वीपी सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री के किसी कार्य को वर्तमान प्रधानमंत्री करे ये जरूरी नहीं है। वीपी सिंह ने इस भारतीय डाक संशोधन विधेयक को फिर वापस भेजा ही नहीं। अगर वीपी सिंह इस विधेयक को वापस भेज दे आर वेंकट रमन को, तो आर वेंकट रमन हस्ताक्षर के लिए क्या हो जाते? बाध्य। और ये डाक संशोधन विधेयक राजीव गांधी और जेल सिंह के समय का यहाँ अधिनियम बन जाता, लेकिन वीपी सिंह ने इसको वापस नहीं भेजा। तो सवाल ये पूछे कि बताइए इस विधेयक पे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने किया था। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के वीटो इसमें हैं। एक सवाल और कि आपसे इसी जेबी वीटो से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति की वह शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की वह शक्ति जो उसे अमेरिका के राष्ट्रपति से भी पावरफुल बनाती है, अमेरिका के राष्ट्रपति से शक्तिशाली बनाती है। अब हम जानेंगे, ये सवाल अगर पहली बार हमारे सामने आ रहा है तो हम सोचेंगे हमारा राष्ट्रपति तो नाम मात्र का कार्यपालक है, अमेरिका वाला राष्ट्रपति वास्तविक है, फिर वो कौन सी शक्ति है जो उसको पावरफुल बना रही है अमेरिका के राष्ट्रपति से भी भारतीय राष्ट्रपति को? तो ध्यान रखना हस्ताक्षर को लेकर के, जो बात हम हस्ताक्षर की कर रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ भारत के राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेंगे, कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं क्या जेबी वीटो पड़ा रख सकते हैं पूरे कार्यकाल तक। इस समय माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और कोई बिल आया
तो वो जनरल बिल को अपने पूरे कार्यकाल तक पड़ा रख सकती है। अगला राष्ट्रपति आए वो भी पड़ा रख सकता है, वापस भेज सकता है। तो ये जे बी वीटो इसे अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है, यूएस राष्ट्रपति, इसकी समयावधि है और वो समयावधि है 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन, 10 डेज। अमेरिकन राष्ट्रपति 10 दिन में साइन करेंगे, 10 डेज में, अन्यथा अपनी स्थिति को क्लियर करेंगे। और हमारे राष्ट्रपति इसे 5 साल तक पड़ा रख सकते हैं, अपने पूरे कार्यकाल तक पड़ा रख सकते हैं। ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति की इसे अमेरिका के राष्ट्रपति से भी पावरफुल बनाती है। अतः हमारे यहाँ पूछे कि राष्ट्रपति कितने समय में साइन करेगा, बच्चे तत्काल 6 महीने तैयार बैठे रहते हैं, 6 महीने, और बाद में पता लगता है कि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है, अर्थात समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए है क्या? यस है। कितना है? 10 दिन है। तो मित्रों, ये सवाल आर्टिकल 111 से हमारे बनते हैं कि किस तरह से कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अधिनियम बनेगा, कितने प्रकार की वीटो शक्ति यहाँ राष्ट्रपति को हैं। तो 3 प्रकार की, पूर्ण वीटो और आपका जेबी वीटो और निलंबनकारी वीटो। लेकिन बाद में जा करके यहाँ एक संशोधन और किया गया कि राष्ट्रपति तो ऐसे किसी भी विधेयक को कर सकते हैं जेबी वीटो। तो तब 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया और उसमें ये तय किया गया कि राष्ट्रपति जो हैं भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात वो संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं और वो नोट डाल के आप याद रखना, कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन 1971। और इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। शब्दावली जो यूज हुई है वो है अनुमति देनी ही होगी राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। इसका मतलब क्या है? बाध्य है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। अतः राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और किस पे नहीं कर सकते हैं भाई? धन विधेयक, धन विधेयक पर भी कोई वीटो प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? ये धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होता है। किसकी पूर्वानुमति से? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। इसलिए जो कुछ संशोधन करना है अपनी कंसेंट देने से पहले कर लीजिए। राष्ट्रपति कंसेंट देने से पहले कोई संशोधन चाहते हैं करवा सकते हैं। एक बार आपने अनुमति दे दी और लोकसभा ने पारित कर दिया, क्योंकि राज्यसभा यहाँ गौण है धन विधेयक पे, तो फिर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंत में एक बार पारित हो गया तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। अतः धन विधेयक पर भी हस्ताक्षर के लिए क्या है राष्ट्रपति? बाध्य हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर भी बाध्य हैं। तो फिर ये जेबी वीटो किस पर इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? इसका मतलब है ये जेबी वीटो साधारण विधेयक पे इस्तेमाल होता है। कैसे विधेयक पे? साधारण विधेयक। अब सवाल आपसे पूछे कि बताइए राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस प्रकार के विधेयक पे करते हैं? जनरल बिल है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे करेंगे? नो। क्या मनी बिल पे करेंगे? नहीं। ठीक है,
तो ये तीन प्रकार का वीटो है जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जुड़े हुए हैं। ठीक, धन्यवाद मित्रों।